आज की स्टोरी देखने से पहले जरा दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज एक ऐसे मैच की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपने शायद ही आज तक सुनी होगी। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि T20 में अधिक से अधिक कितने रन बनते हैं, तो आप कहेंगे कि 200 या 220, और कोई बल्लेबाज ज्यादा ही अच्छा खेल जाए तो ज्यादा से ज्यादा 230 रन बन जाते हैं। लेकिन इस मैच में कितने रन बने थे आप खुद ही देख लीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 22 दिसंबर 2017 को इंदौर के होलकर स्टेडियम से। श्रीलंका ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया, लेकिन उनका यह फैसला कितना गलत साबित होने वाला था इसका शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था। भारतीय पारी की शुरुआत की रोहित शर्मा और KL राहुल ने। इस मैच में बतौर कप्तान रोहित शर्मा पर काफी दबाव था, क्योंकि उस दिन स्थायी कप्तान विराट कोहली उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनसे भारतीय फैंस एक कप्तानी पारी की उम्मीद लगाए बैठे थे। श्रीलंकाई पारी का पहला ओवर डालने आए एंजेलो मैथ्यूज, जिनकी तीसरी ही बॉल पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया, और फिर चौथी बॉल पर भी एक और चौका जड़कर श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज डिलीवर कर दिया था कि आज तूफान आने वाला है। इधर KL राहुल ने भी एक स्ट्रेट ड्राइव मार अपने हावी इरादों पर मोहर लगा दी थी, पर चिंता तो इस बात की थी कि लगातार रन बनाने के बाद भी इंडिया 4 ओवर में 26 रन ही बना पाया था। लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू होने वाला था। पारी का पांचवा ओवर डालने आए नुवान प्रदीप, जिनकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त छक्का जड़ मोमेंटम को भारत की तरफ खींचना शुरू किया, और फिर उसी ओवर की पांचवी गेंद पर राहुल ने भी एक स्ट्रेट सिक्स जड़ अपने हाथ खोलने शुरू किए। इंडिया ने पांच ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए थे, और दोनों ही भारतीय सलामी बल्लेबाज सेट हो चुके थे। तभी छठा ओवर लेकर आए अकेला धनंजय, जिनके ओवर में रोहित ने बैक टू बैक दो चौके और एक छक्का जड़कर सबको ये बता दिया कि आज तो श्रीलंकाई गेंदबाजों की कयामत आने वाली है। उसके बाद तो रोहित और राहुल ने ऐसा खेल दिखाया कि स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक सिर्फ देखते ही रहे। और गुणरत्ने की चौथी बॉल पर रोहित ने एक लंबा छक्का जड़ मात्र 23 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया था। अर्धशतक के बाद रोहित ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि उन्हें बॉल डालना भी मुश्किल हो रहा था। और थिसारा परेरा के दूसरे ओवर में रोहित ने ऐसा रूप दिखाया कि थिसारा भी बॉल डालने से ठिठक रहे थे। वो जहां भी बॉल डालते रोहित वहीं से खींचकर बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट कर रहे थे, और देखते ही देखते रोहित ने इस ओवर में 4 छक्के लगा दिए थे। अब रोहित 34 बॉल में 97 रन बना चुके थे और वे हिस्ट्री क्रिएट करने से मात्र एक कदम दूर थे। तभी 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित ने चौका जड़ मात्र 35 बॉल पर शतक पूरा करके T20 इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। ये भारतीय फैंस के लिए एक ऐसा लम्हा था जिसे वो कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि रोहित शर्मा ने डेविड मिलर का सबसे तेज 35 बॉल पर शतक बनाने का रिकॉर्ड जो बराबर कर लिया था। इंडिया 12 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 149 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका था। श्रीलंका को लगा था कि रोहित अब जल्द ही आउट हो जाएंगे, पर रोहित ने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। और 13वां ओवर लेकर आए दुष्मत्ता चमीरा, जिनकी पहली ही बॉल पर रोहित ने बॉल को सिक्स के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो आज T20 इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना सकते हैं। और अगली बॉल पर भी उन्होंने एक तेज तरार शॉट खेल बॉल को 4 रन के लिए भेज दिया था। ओवर की तीसरी बॉल चमीरा ने पैरों पर यॉर्कर डालने की कोशिश करी, लेकिन उसकी भी सजा उन्हें सिक्स के रूप में चुकानी पड़ी। पर अगली शॉर्ट बॉल पर रोहित ने बल्ले के फेस का यूज करना चाहा, लेकिन वो फील्डर को नहीं भेज पाए, और आखिरकार उनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी यहां समाप्त हो चुकी थी। रोहित ने मात्र 43 गेंदों में 118 रन की तूफानी पारी खेल स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों को अपना फैन बना लिया था। उनकी इस पारी की हर कोई खड़े होकर प्रशंसा कर रहा था। जब रोहित आउट हुए तब भारत का स्कोर था 13 ओवर की समाप्ति पर 166 रन। श्रीलंका के लिए एक मुसीबत जा चुकी थी, तो दूसरी मुसीबत महेंद्र सिंह धोनी के रूप में मैदान पर आ चुकी थी। धोनी ने 14वें ओवर की पहली दो बॉल पर लगातार दो चौके जड़ अपने इरादे साफ कर दिए थे। अभी तक आपने, हमने और स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों ने द हिटमैन शो देखा था,
लेकिन अभी राहुल का कमाल देखना बाकी था। राहुल ने पारी का 15वां ओवर लेकर आए नुवान प्रदीप की दूसरी बॉल पर एक चौका जड़ अपना 50वां भी पूरा कर लिया और फिर 5वीं बॉल को भी स्टैंड में डिपॉजिट कर श्रीलंकाई गेंदबाजों को ये बता दिया कि भाई अब मेरी बारी है। भारत ने 16 ओवर में 200 का आंकड़ा पार कर लिया था, तभी 17वां ओवर लेकर आए अकेला धनंजय, जिनके ओवर में धोनी और राहुल ने मिलकर 3 छक्कों की मदद से कुल 20 रन बटोरे। श्रीलंकाई गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। राहुल एक से बढ़कर एक दर्शनीय सिक्स लगा रहे थे। उनके बल्ले से निकलता हर शॉट इतना तेज था कि फील्डर को हिलने तक का समय नहीं मिल रहा था। भारत ने 18.2 ओवर तक 243 रन बना लिए थे, तभी तीसरी बॉल पर विकेटकीपर डिक वेला ने राहुल का एक ब्रिलियंट कैच पकड़कर उनकी पारी को वही समाप्त कर दिया। लेकिन राहुल 48 बॉल पर 89 रन बनाकर अपना काम बखूबी कर चुके थे। उसके बाद आए हार्दिक पांड्या ने तेजी से रन बनाते हुए एक चौका और एक छक्का जड़ा, लेकिन अगली बॉल को भी सिक्स मारने के प्रयास में कैच दे बैठे और फिर अंतिम ओवर में थिसारा परेरा ने धोनी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन अंतिम ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर दिनेश कार्तिक ने चौका जड़ मोमेंटम को भारत की तरफ ही बनाए रखा। पारी समाप्त हुई और भारत ने 5 विकेट खोकर 260 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जो कि T20 इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। अब श्रीलंका को 261 रन का पहाड़ सा लक्ष्य चेज करना था, लेकिन श्रीलंका भी बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। उपुल थरंगा और निरोशन डिकवेला श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने उतरे और दोनों ने तेजी से रन बटोरते हुए 4 ओवर में 36 रन जोड़ लिए थे। तभी 5वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने डिक वेला को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दिया। उसके बाद कुशल परेरा और उपुल थरंगा ने श्रीलंका की पारी को संभाला और दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए 13 ओवर में 149 रन जोड़ दिए थे। लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज मैच को डीप ले जाएंगे, लेकिन तभी 14वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने उपुल थरंगा को कोट एंड बोल्ड कर खतरनाक चल रही साझेदारी को तोड़ दिया। इस साझेदारी के टूटते ही श्रीलंका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई और 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने पहले तो खतरनाक दिख रहे कुशल परेरा को मनीष पांडे के हाथों कैच करा दिया और फिर अगली बॉल पर थिसारा को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ओवर की लास्ट बॉल पर भी कुलदीप ने गुना रत्ने को चकमा दे दिया और धोनी ने पलक झपकते ही उनके स्टंप उखाड़ दिए। अब श्रीलंका 15 ओवर तक 161 रन पर 5 विकेट गवा चुका था। तभी 16वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने ओवर में कुल 3 विकेट चटका कर श्रीलंका की पारी को 172 रन पर समेट दिया। भारत ने इस मैच को 88 रन से जीत सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली थी। इस मैच में कुलदीप ने 3 और चहल ने 4 विकेट अपने नाम किए थे। श्रीलंका की तरफ से कुशल परेरा ने 77 रन की पारी खेली थी, जबकि हिस्ट्री क्रिएट करने वाले रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। दोस्तों, रोहित शर्मा की इस पारी के लिए एक लाइक तो बनता है, और क्या आपने उस दिन यह मैच देखा था या आप इस मैच के लाइव गवाह बने थे? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाता रहूं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।